अभी हम पहुंच चुके हैं, हमारी यहाँ से स्टार्टिंग है। देखो यहाँ से स्टार्ट होती है, चल भी आ चुके हैं। ये हमें बताएंगे कैसे क्या प्योर किया जाता है, कैसे क्या पानी पहुंचाया जाता है हम तक। वो दूर तक है, इसके साइड में वो जो दीवार दिख रही ना, वो बीच में दीवार है, उसके साइड में एक और डैम है। हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एसआर ब्लॉग्स को। तो भाई साहब, आज हम बनाने वाले हैं पानी के ऊपर वीडियो, ऐसे वैसे एक्सपेरिमेंट नहीं, ब्लॉग। मतलब आप तक का पानी कैसे पहुंचता है, मतलब हमारी रेवाड़ी में पूरे हमारे गांव से ही पानी जाता है, ठीक है। डैम्स वगैरह हमारे गाँव में बड़े बड़े, आपको वही दिखाने वाले हैं कैसे क्या पानी आप तक पहुँचता है, बस ऐसा ही कुछ दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं सीधा अपने डैम के पास, मोटर्स के पास, कैसे क्या पानी पहुँचता है, फिल्टर कैसे होता है, वो सब बताने वाले हैं। तो अभी चलते हैं और कैमरे को कर देते हैं बंद, कर दे नहीं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो फाइनली यार गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं, हमारी यहाँ से स्टार्टिंग है। देखो यहाँ से स्टार्ट होती है और अभी चलते हैं अपने भीतर की साइड, अभी दिखा देते हैं। स्टार्टिंग है तो सिर्फ, अभी से आगे आगे और भी बड़े डैम्स आएंगे, ये तो अभी से स्टार्टिंग वगैरह है। ये बस देखो, आपको बैक से दिखा देता हूँ। सर गाइस देखो, ये इतना बड़ा नहीं है, अभी से आपको और दूसरा वाला डैम दिखाऊंगा, ये इतना खास नहीं है। ये प्योर वाला डैम है, मतलब इसमें साफ पानी का किया जाता है। देखो ये इतना बड़ा नहीं है, बट अभी हम आपको और दिखाएंगे, ठीक है। अभी से और आगे जाएंगे, ये तो अभी से स्टार्टिंग है सिर्फ, अभी चलते हैं अपने और आगे को। गाइस देखो, यहाँ पे अपनी मोटर जहाँ पे बिजली आती है, ये ट्रांसफार्मर है हमारा, ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, और यहाँ से पानी लिया जाता है। अभी से और आगे दिखा देता हूँ मैं आप। देखो पानी की शुरुआत यहाँ से की जाती है, ये हमारी नहर है, ये गंदी नहर है, वैसे तो यहाँ से गंदा ही पानी है, देखो बिल्कुल साफ भी नहीं दिख रहा, और यही हमारे प्योर होके आता है हमारे पास पीने योग्य। देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से पानी वो वाल्व रहा। अभी से और दिखा देते हैं आपको, हमें इस साइड से जाना पड़ेगा। देखो ये हमारा वाल्व है, ये रहा, ये खोला जाता है तब पानी यहाँ से निकल के अपने ये नाला छोटा सा बन रहा है, ये नाला रहा। देखो दिख गया, ये अपना नाला, देखो यहाँ से पानी निकल रहा है और वो जा रहा आगे, यहाँ से जाते हुए वहां पे वो मिल रहा है डैम में, यहाँ से चढ़ना होगा हमें, ये चढ़ गए, ये जा रहा पानी यहाँ से डैम में जा रहे हैं, पानी सीधा वहां पे आगे जाके कट है, ठीक है, वहां पे आगे जाके कट होके वो डैम में मिल रहा है, उस डैम में मिल रहा है, उसमें पानी जा रहा है। और ये दो हमारे स्टोर करने वाले हैं, ये दो हमारे जो स्टोर करने वाले हैं वो पानी को ही स्टोर करते हैं, मतलब पानी यहाँ से और भी जाता है। आपको दिखाते हैं, मतलब पीने योग्य यही पे बनता है हमारे पूरे रेवाड़ी में, यहीं से पानी जाता है, सिर्फ यहीं से, ठीक है। धारवेड़ा भी यहीं से ही जाता है, और अगला भी है आगे के दिखाएंगे सिस्टम। देखो ये पानी बोलोगे भैया ये पानी कहाँ से आ रहा है, भाई ये पानी नीचे से आ रहा है उस साइड से, उसी नहर में पाइप से कनेक्ट होके जा रहा है, नीचे से जा रही है वो पाइप, वो पाइप कुछ डैम से भी आ रहा है और कुछ यहाँ से पाइप नीचे भी होके जा रही है। देखो ये रही, ये जो पाइप दिख रही है ना आपको, ये इसमें पानी जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, और ये पाइप जा रही है यहाँ पे उस साइड, उसमें देखो यहाँ पर भी वाल है, वाल यहाँ पे कैसे खोला जाता है ये आपको बता देते हैं। वाल यहाँ से चढ़ के इस मास्क देख के जाना पड़ता है, बिल्कुल इसी के नीचे है वाल, यहाँ से पानी जाते हुए देखो यहाँ पे आ रहा है, फिर आता है ये वाला, इसमें ये पता है कि दो तो क्यों बनाए गए हैं, अभी आप सोच रहे होंगे यार भाई ये भी है और ये भी है, वो इसलिए उसमें थोड़ा सा ना मिट्टी जम जाती नीचे, थोड़ा सा ना मिट्टी को जमाने के लिए एक ये, फिर उसमें मिट्टी जम जाती है, वो ऊपर ऊपर का पानी फिर आता है इसमें, फिर इसमें भी थोड़ी सी मिट्टी जम जाती है, फिर वो जाता है आगे आगे, एक और आपको दिखा देते हैं, ठीक है।
ये मतलब मिट्टी जम जाती है इसमें, प्योर कैसे किया जाता है ऐसे ही कुछ किया जाता है। अभी देख और दिखा देते हैं आपको, उसमें था उसमें थोड़ी सी मिट्टी जमी, फिर इसमें आया इसमें थोड़ी सी मिट्टी जमी, फिर इसमें आया इसमें थोड़ी सी मिट्टी जम जाती है, फिर थोड़ा सा ना साफ हो जाता है, इतना भी साफ नहीं होता, आगे काम आगे हो जाता है। देखो ये जा रहा है, फिर इसमें से होता है, इसमें से वो मोटर है वो पानी खींचती है, एक ये पाइप है ये पानी खींचती है, इनकी ये मोटर लगी हुई है इसके अंदर, ये मोटर खींचती है, एक ये मतलब पाइप से मोटर के अंदर जाता है, और दो बोल रहे वो इसलिए काम आते हैं वहाँ से, मतलब डायरेक्ट पानी आता है सीधा यहाँ पे डायरेक्ट, वो ये पाइप है वे दो रही। अभी और अंदर दिखाते हैं, ये हमारे इसके अंदर अगर मोटर वगैरह टिकी हुई है वो है, अभी इसके अंदर भी दिखा देते हैं आपको, अंदर ले जाएंगे। यहाँ पे वो अंकल मैनेज करते हैं इसको, अंकल को शायद बुलाना पड़ेगा, वहाँ पे उस घर में रहते हैं अंकल। यार बगीचा तो बढ़िया बना रखा है इतना तो हमारा भी नहीं है, अंकल ने तो बगीचा खतरनाक बना रखा है, वहाँ से हमारा शटर भी ऑफ है, शायद ओपन करना पड़ेगा ये अंकल का बगीचा, ठीक है। तो गाइस अभी हमारे अंकल भी आ चुके हैं, ये हमें बताएंगे कैसे क्या प्योर किया जाता है, कैसे क्या पानी पहुँचाया जाता है हम तक, ठीक है। तो अभी चलते हैं, खोलते हैं अपने इसको और फिर दिखाते हैं आपको अंदर का फंक्शन। तो यार गाइस यहाँ पे आवाज भी आपको कम ही आएगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मोटर का शोर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोटर चली हुई है। यहाँ पे आपको आवाज भी मेरी कमी आ रही होगी, अगर बता दो से जाते हुए, ये हमारा ट्रांसफार्मर है हमने बताई दिया था आपको, एक वो हमारा कुआं, अगर जाने का रास्ता है वैसे वहां से उस कुएं पे जाने का रास्ता है, रास्ता तो उधर ही है, देख ले तो गाइस देखते हैं अभी जाएगा या नहीं रास्ते। यहाँ पे भी एक वॉल है, ये रहा एक वॉल और एक यहाँ पे कुछ जाके हैं, ये तो खाली है, यहाँ पे स्टोर किया जाता है, एंगल का कहना है ये थोड़ा सा पानी यहाँ पे स्टोर किया जाता है, इमरजेंसी के लिए यूज में आता है। अब ये पानी तो
हाँ वो ही बता रहा हूँ। और गाइस ये पानी है, ये उधर जाएगा, मैं आपको उधर से भी दिखा देता हूँ। देखो ये पानी उधर से जाता है, ये जो पानी है ना, ये जो अभी मैंने बताया था, ये आता है डैम का सा, मतलब ये जो अभी बताया ये डैम से पानी आते हुए जाता है वहां पे। अभी दिखा देते हैं आपको, ये समर्सिबल की पाइप है, ये भी कुछ हेल्प में आती है। और एक ये भी है, दो वाल्व हर जगह, तो ज्यादातर हमें वाल्व ही मिल रहे हैं, हर जगह तो ज्यादातर हमें वाल्व ही मिल रहे हैं। तो यार अभी चलते हैं यहाँ पे, वो हमारे जोंगेटो खड़ी जिसपे हम आए हैं। और ये है जो हुआ भाई शाम, इसमें भी आता है, मतलब थोड़ा सा ना बिल्कुल प्योर हो जाता है, हम तक पहुँचते पहुँचते कुछ ही आते नहीं है। ठीक है, टेडप वगैरह भी आ रही है, दिखाई खुलते हुए है ना। तो गाइस देखो यहाँ पे हमने खोल लिया है, ये अंदर कुआ है, इसमें भी पानी गंदा है, मछली भी तैर रही है इसमें। तो ये हमारा कुआ, इसको कर देते हैं भाई साहब बंद, इसको तो कर देते हैं बंद। ये हमारा बंद हो चुका है, ये हमारा था दूसरा कुआ, इसमें भी वही सिस्टम है, ये मतलब पहुंचते पहुंचते हम तक प्योर हो जाता है। और भी आगे बहुत सारे कुएं हैं, और भी आपको दिखा देते हैं। ये शायद वाल का ही है, ये हमारे से फिर से वाल आ गए, ये वाल पानी को स्टॉप और ये करने के लिए काम आता, यूज में आता है। और एक हमारी ये तो शायद ओपन नहीं हो पाएंगे, ये बहुत टाइट है। एक ये रहा, ये सबसे बड़ा है हमारे यहाँ पे पूरे डैम का, ये सबसे बड़ा वाला है यहाँ पे, देखो सबसे बड़ा कुआ यही है। और ये भी कुछ बनाए हुए हैं, इनका तो मेरे को पता भी नहीं क्या। इसमें बहुत सारी रोड़ी पड़ी है, इसमें पानी है बहुत गंदा, बिल्कुल काला हो रहा है पानी, ये बिल्कुल काला पानी हो चुका, बिल्कुल काला, इतना गंदा हो रहा है। मेरी देख शक्ल भी दिख रही है, देखो यार मेरी बिल्कुल परछाई यू क्यू दिख रही है, देखो यहाँ भी इतना गंदा। और ये रोड़ी पड़ी है इसके अंदर, ये शायद साफ सूफ करने के लिए, पता नहीं ये क्या यूज में आता है। चारों ओर ये ऐसे ही ये डब्बे से बने हुए हैं, ये होद है, इसमें ऊपर काई और नीचे साफ है पानी, देखो देखो यार नीचे तक साफ दिख रहा है, रोड़ी जो पड़ी हुई है वो भी दिख रही है साफ, बट ऊपर ऊपर थोड़ा सा गंदा हो रखा है। यहाँ पे देखो नीरी आकाश आकाश छुपानी छुपानी पड़ी है यहाँ पे बहुत सारे डब्बे, सब में रोड़ी है, लास्ट वाले जो डब्बे होते हैं ना दो उनमें पानी है। तो अभी और दिखा देते हैं आपको, एक और कुआ है, दो और हैं, एक नहीं दो और कुएं हैं। देखो ये भी शायद खुलने वाला है, देखो ये भी पानी का ही हो दो है, देखो इसमें भी वाल है, वो रहा सबसे नीचे वो रहा वाल, वो एक वाल भी है शायद जिसपे छिपकली बैठी हुई है अभी लीजार्ड, इसको कर देते हैं बंद। ये हमने कर दिया है बंद, इसमें करेसर गिरा हुआ है जो घर में यूज आता है, ये भी बिल्कुल खाली है। और एक दूसरा भी है, उसको भी देखते हैं, वो भी बिल्कुल खाली है, ये शायद इमरजेंसी के लिए काम में आते हैं, इमरजेंसी में ही यूज़ किया जाता है इनको। देखो ये भी बिल्कुल खाली है, तो थोड़ा सा ना बारिश वगैरह का पानी है शायद। और यहाँ पे भी हमारा वही फंक्शन है, सीधा ओपन करते ही छपकली मिलेगी ओपन करने के बाद छपकली, फिर वाल ये कुछ इसी तरह का है, देखो ठीक है, ये भी कुछ इसी तरह के होते हैं, मतलब आज तक पहुँचते पहुँचते यही से ही प्योर होता है पानी, समझ रहे हो। अभी से और छानबीन करते हैं इसकी, बहुत बड़ा है तो अभी और करते हैं, देखते हैं अभी वीडियो पे आप बने ही रहना। तो गाइस एक हमारा ये घर है, इसमें भी मोटर वगैरह ही है शायद, इसमें तो छोटी छोटी है यार, समर्सिबल है शायद, हाँ गाइस ये तो समर्सिबल वाली मोटर है। देखो यहाँ पे अंकल के रहने का स्थान, ये हमारा ट्रांसफार्मर वगैरह, यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो शायद समर्सिबल, ये तो गाँव वाला पानी का है, जो हमारे गाँव में पानी पहुँचता है ये तो शायद उसका है। इसको कर देते हैं बंद, हमने कर दिया बंद। तो गाइस बस इतना ही था आज का व्लॉग, यहीं पे ख़त्म होता है, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा भी लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस देखो ये हमारी बड़ी नहर है, अब वो छोटी नहर है, अभी आपको और दिखा देते, ये बड़ी नहर है,
तो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपने बड़े डैम के पास, मतलब रेवाड़ी का सबसे बड़ा डैम, रेवाड़ी का, हमारे पूरे रेवाड़ी का सबसे बड़ा डैम है, दिखाता हूँ मैं आपको, वेट करो, बहुत जहाँ तक आपकी निगाह जाती है ना वहां तक बहुत बड़ा डैम है, देखने में भी डर लगता है बिल्कुल, दिखा देते आपको, देखो ये तो अभी खाली है, बहुत भरा होता था यहाँ तक, इस लेवल तक आता था, देखो नहीं है रीना लाइन, इस लाइन तक, मतलब देख सकते हो कितना गहरा है भाई साहब, देखो बहुत दूर तक है, इसके साइड में वो जो दीवार दिख रही है ना, वो बीच में दीवार है, उसके साइड में एक और डैम है, बहुत ही बड़ा डैम है गाइस ये, एक हमारा पूरा नया जो अभी बन रहा है, वो प्योरीफाई करता है, वो दूर दूर जगह तक भेजते है, एक हमारी ये देख गया, हमारी यहाँ से ही जाता है गाइस, देखो बहुत सारे डैम बने हुए, एक उस साइड में वो आपको दिख रहा होगा, एक इसके साइड में, एक इसके साइड में, 8-10 कम से कम बड़े बड़े, देखिए गाइस वो अगली वीडियो में डालूंगा, इसी में नहीं अगली में डालूंगा, क्योंकि वो ये पूरी नॉलेज हमें ना थोड़ी सी और करनी पड़ेगी, ठीक है, वो तो खैर हमें बता दी क्योंकि हमारे पास कोई था बंदा जिनको हमें मैनेज, मतलब जो मैनेज करता था उसको, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा अगली वीडियो में पार्ट टू में डाल देंगे, पूरी डिटेल डालेंगे, ठीक है, इसकी पूरी डिटेल डालेंगे, इसकी दूसरा ब्लॉग डालेंगे पार्ट टू में, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, तो अभी करते हैं कैमरे को बंद।